हे एवरीवन, तो गाइस अगर आप लोग थंबनेल देखकर वीडियो में आए तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दिख रहे थे थंबनेल में, ये लोग आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। मैं ही एक्सप्लेन करूंगा आपको नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है। खैर, ये वर्ड आप आजकल आप देख रहे हो काफी ज्यादा पॉपुलर है। वेल, इसका मतलब होता है भतीजवाद या फिर कुनबा बस्ती। अब ये भतीजावाद क्या होता है, हमें इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है समटाइम्स, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ इंग्लिश में, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ हिंदी में। तो सबसे पहले इंग्लिश में हम जान सकते हैं यूजिंग योर पावर और इन्फ्लुएंस टू गिव अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली और रिलेटिव्स, जस्ट स्पेशली बाई गिविंग देम जॉब्स। हाँ, जॉब्स के तौर पर। तो चलो अब इसको हिंदी में जान लेते हैं। अपने अधिकार या प्रभाव की शक्ति से अपने परिवार वालों को या अपने रिश्तेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाना। खैर, स्पेशली ये होता है नौकरी देना, नौकरी देने में लाभ पहुंचाना, अनुचित लाभ, जो कि अनफेयर एक तरीके से, वो देना, वो ही कहलाता है नेपोटिज्म। तो हमने इसको हिंदी में मतलब जान लिया कैसे होता है। और जो इंसान ये करता है, जैसे कि ये तो नेपोटिज्म तो एक भाई भतीजवाद हो गया, ये प्रथा हो गई जो भी है चल रही है, बट ये इंसान जो भी करता है उस इंसान को हम बोलते हैं इसमें नेपोटिस्ट। जी हाँ, नेपोटिस्ट वो इंसान हो जाता है। तो गाइस, हमने जान लिए दो वर्ड्स। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता सकते हो। खैर, मुझे जानना भी एक और चीज़, वो भी बताना कमेंट में, कि कौन है बॉलीवुड में जो आपको लगता है कि नेपोटिस्ट है, जल्दी से उसका नाम बताओ कमेंट में। देखता हूँ कि आपको पता है नहीं। एंड गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं डेली नए नए पोस्ट डालता हूँ और आपको काफ़ी नई नई चीज़ें देता रहता हूँ, और स्टोरी पर मैं क्विज भी लगाता हूँ, जिससे आपका जो माइंड है वो काफ़ी रेडी रहेगा इंग्लिश के लिए, और एज वेल एज आपकी जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएंगी। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए, हाय, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड आई विल टेल यू दैट कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैं अच्छे से इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको दे सकता हूँ एज अ कोर्स। वो एक्चुअली मेरा कोर्स है, मैं हाँ ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि वो मेरा कोर्स है। प्लीज़ एक बार आप विजिट कीजिए, और 3 डेज़ का ट्रायल भी है, 2 और 3 डेज़ का ट्रायल है, जो कि आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छा ना लगे तो यू कैन लीव दैट। ऑलराइट, तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।